कमिंग सर। जी सर। यस सर। क्या नाम बताया आपका आपने? युवराज सर। युवराज सर। सो सर इज योर सरनेम और व्हाट? नो सर। नो सर? यस सर। आई एम नॉट गेटिंग, व्हाट इज योर फुल नेम? सर नेम सर युवराज सर। नेम इज युवराज और सरनेम इज युवराज? यू आर कंफ्यूजिंग मी यंग फेलो। सर नेम युवराज ओनली, सरनेम अदर सर। ओके सो योर नेम इज युवराज एंड सरनेम इज अदर, राइट? सो योर फुल नेम इज युवराज अदर? नो नो सर, अदर नॉट सरनेम, सरनेम दूसरा अदर है सर। माय डियर बॉय, वी आर डिस्कसिंग योर नेम एंड सरनेम फॉर लास्ट 5 मिनट्स, डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम? यस सर। अरे व्हाट यस सर मींस? नो सर। अरे क्या यस सर नो सर कर रहा है यार? हाँ कैसे होगा तुम्हारा? ओके, इट इज रिटन इन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट यू आर ग्रेजुएट, राइट? नो सर, आई एम बीकॉम, 43% सर। So you are not graduate, you are only become. Right sir, just become. Okay, tell me, who wrote Kautilya's Arthashastra? Kautilya's Arthashastra. No sir. You know it or you don't know it? No sir. If you know, you should tell me. I no sir, so noted. Okay, very good. Thank you very much. You may go now. आप जा सकते हो, ठीक है? Okay sir. Thank you sir. Yeah, thank you. Thank you sir. So I was talking about the term. Sir, result sir. आप interview. Are you seriously interested in result? इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है मेरे दोस्त, जाओ, ज्यादा सोचो मत। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। युवराज, आप में ऐसी क्या बात है जो और लोगों में नहीं है? सर आई एम अ टीम प्लेयर, टीम के साथ काम करना, उनके साथ प्लान्स बनाना, फिर उन्हें इंप्लीमेंट करना, टीम एफर्ट से बड़े टारगेट्स को अचीव करना, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। वेरी गुड युवराज, आई मस्ट शेयर दिस विद यू, मैं रिक्रूटमेंट में कई सालों से हूं, मैंने कई लोगों को जॉब पाते हुए देखा है, बट इन दिस स्पेसिफिक एरिया कैंडिडेट के पास स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस ये जीरो रहते हैं, बट यू आर गुड इन इट। How you have managed to pull this off? सर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, आपने भी जिन कैंडिडेट्स का जिक्र किया मैं भी उन्हीं में से एक था, ठीक से बात नहीं कर पाता था, अंग्रेजी के 4 वर्ड्स भी ठीक से नहीं बोल पाता था, कॉन्फिडेंस न के बराबर थी और इसी वजह से हर इंटरव्यू में मेरा रिजेक्शन होता था। सर शायद आपको याद नहीं होगा पर इस इंटरव्यू में मैं दोबारा आया हूँ और मेरा सबसे पहला रिजेक्शन तो आपने ही किया था। Is it? I'm sorry, but I don't remember. फिर ये बदलाव कैसे हुआ? सर फिर हमें एक व्यक्ति मिले जिन्होंने हमारा सारा परसेप्शन ही बदल दिया, उन्होंने हमें बताया कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। उन्होंने हमें आज के जमाने के इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि आज कॉन्फिडेंट होना कितना जरूरी है और फिर कंप्यूटर के साथ ई लर्निंग के माध्यम से हमने इंग्लिश सीख ली। गुड, सो ही हैज डन अ फैबुलस जॉब, आई मस्ट से दैट। पर सर हर बच्चे को ऐसा मेंटर मिले शायद पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हर बच्चे को अपना मेंटर खुद बनना होगा, उसे खुद को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि दिए हुए काम को पूरी लगन और मेहनत से पूरा कर पाए। और फिर सर आजकल ई लर्निंग के नए मेथड के साथ अंग्रेजी सीखने के बहुत सारे सेंटर खुल चुके हैं। आई एम टोटली इंप्रेस्ड, वेरी गुड।